बस इतनी सी बात के लिए लड़ते हो? फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं बस इतनी सी बात के लिए, जैसे बस इतनी सी बात के लिए लड़ाई करते हो, बस इतनी सी बात के लिए रोते हो, बस इतनी सी बात के लिए नाराज हो। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। बस इतनी सी बात के लिए को आप इंग्लिश में कहेंगे ओवर सच ट्राइफल्स, यानी बस इतनी सी बात के लिए। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। बस इतनी सी बात के लिए रोते हो, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डू यू वीप ओवर सच ट्राइफल्स, यानी क्या तुम इतनी छोटी सी बात के लिए रोते हो, या बस इतनी सी बात के लिए रोते हो, बस इतनी सी बात के लिए नाराज हो। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आर यू एंग्री ओवर सच ट्राइफल्स, यानी बस इतनी सी बात के लिए नाराज हो, बस इतनी सी बात के लिए तुम टेंशन में हो। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आर यू इंटेंशन ओवर सच ट्राइफल्स, यानी बस इतनी सी बात के लिए या ये छोटी सी बात के लिए तुम टेंशन में हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो बस इतनी सी बात के लिए, यानी इतनी छोटी बात के लिए तुम परेशान हो, लड़ते हो, बहस करते हो, को बोलने के लिए आप सबसे पहले आप अपना सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद आप कहेंगे ओवर सच ट्राइफल्स। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।